साथ ये इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बनता जाएगा। डिलीवर पता नहीं कब करेगा, लेकिन ये कि शुरू करता जा रहा है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले, इनको टाइमली डिलीवर इंशाल्लाह करेंगे भी, और उम्मीद है कि ये लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे और अपनी क्वालिटी को भी बरकरार रखेंगे, जिस तरह वेरिया टाउन ने अपनी क्वालिटी को बरकरार रखा। और जब भी मैं किसी जगह पर जाता हूँ तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने साथियों को ये मशवरा देता हूँ कि जिस तरह वेरिया टाउन ने एक लाइफ स्टाइल, एक ट्रेंड दिया आप लोगों को, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप भी अपने प्रोजेक्ट्स में जिद्दत लाएँ। ना सिर्फ ये नहीं कि अपना लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ ना करें, उनका जो एतमाद है उनको ठेस ना पहुँचाएँ, टाइमली डिलीवर करें चीज़ें। और इसी तरह आपकी ये इस तरह आप एक प्रोजेक्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथे से पाँचवा, इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू रहेगा और अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डालता रहेगा। और बाकी जो दोस्त मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं जिनका प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू, उनके लिए भी मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में भी बरकत डाले। और वेरिया टाउन ने जिन मुश्किल से गुजार रही है, अल्लाह का शुक्र है कि आस्ते आस्ते उनमें से निकल के हम निकलते जा रहे हैं, और उन्होंने चाह तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। और आप लोगों का जो साथ है, आप लोगों की वजह से ही मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोगों से मेरी भी पहचान है। और मेरी आपसे ये सिर्फ ये गुजारिश है कि मैं जिस तरह आप लोगों के साथ हर जगह पे तावन करता हूँ, हर जगह साथ होता हूँ, आप लोग भी इसी तरह वेरिया टाउन का साथ दें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हुए आपको दुश्वारी पेश आती है, लेकिन वो आप लोगों के हक़ के लिए होती है, उसमें आप लोगों की बेहतरी होती है। तो ये और बात है कि अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि वो बाद में एट दी एंड आपको पता चलता है कि वो इसी में बेहतरी थी। तो जो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं उनको पॉजिटिव लेके चलें, जो मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोगों के लिए मुश्किल का बायस बनती हैं, उसके लिए मैं भी फ़ाइट करता हूं और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा। आप लोगों की वजह से ही मेरी पहचान है, और आप लोगों का अगर मैंने इसी तरह ख्याल ना रखा तो ये मेरे लिए फ़र्ज से सबकदोशी हो जाती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि मैं अपना फ़र्ज इसी तरह निभाता रहूँ, और जिस तरह ये हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, अल्लाह ताला इसमें और मैं इस फैमिली को मज़ीद बढ़ाए, और इसी तरह हमारा प्यार मोहब्बत इसी तरह कायम रहे, और इसको हम पॉजिटिव वे में लेके चलें। तो काफ़ी हद तक मार्केट से नेगेटिविटी दूर हो गई है, जिसका फ़ायदा आप लोगों को ही हो रहा है। मैं आप लोगों को हर दफ़ा ये कहता आ रहा हूँ, जब तक ये मार्केट पॉजिटिव नहीं होगी, आप लोग पॉजिटिव नहीं होंगे, मार्केट बेहतर नहीं होगी। और आपने जब थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी शो की, आपने देखा कि मार्केट बेहतर से बेहतर हो जा रही है, और इंशाल्लाह मज़ीद भी बेहतर होगी। र्यूमर्स पे ना जाएँ, रोज़ यहाँ से मुझे फ़ोन आ रहे होते हैं जी कि पेशावर कब आ रहा है, फलां कब आ रहा है। पेशावर यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर है, पेशावर को आपने क्या करना है, वो अपना काम करें यहाँ पर रह के। कराची इतना बड़ा है आपके लिए एक मैदान है, इसी को आप इसी में खेलें, बजाय इसके कि आप राइट लेफ्ट देखते हैं। इसी तरह बेशुमार प्रोजेक्ट आते रहेंगे, ठीक है, आपकी उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वजह से किसी भी प्रोजेक्ट आने की वजह से कराची के जो है ना कारोबार को कोई ज़रा सा भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये कराची का ये जो है सिस्टम हमारा बढ़ता जा रहा है, और दिन ब दिन इसमें मज़ीद इजाफा होगा। आप जिस तरह देख रहे हैं कि आज भी 17-18 प्रोजेक्ट की अफ्तिताह करने हम जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने चाह तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मज़ीद बढ़ते जाएंगे। और दुआ मेरे लिए भी किया करें कि मैं कोरोना से बचता रहूँ, क्योंकि कसर कोई नहीं छोड़ता आप लोगों में से कोई भी कि मुझे कोई कोरोना हो ही जाए। हमारे लिए कि आप लोगों के खातिर रिस्क लेना पड़ता है, अल्लाह मालिक, लेकिन ये कि SOPs जो लोग आप फॉलो कर रहे हैं, बड़ी देखकर खुशी होती है कि कोई एक बंदे ने भी मास्क नहीं यहाँ पर पहना हुआ। बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, और अल्लाह ताला इसी तरह बिलाल के कारोबार में बरकत डाले, और बिलाल के बच्चे की पैदाइश पर इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उसको मजीद इसी तरह खुशियाँ दें। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो टेबल अब नहीं है, पूरा फिर निकलना चाहिए।